भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हर दिन सड़क पर उतरकर लोगों से समझाइश कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने के लिए समझाइश कर रहे हैं। सोमवार को भी शर्मा ने शहर का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि आज से जो नई गाइडलाइन लागू हुई है उसकी पालना सुबह से ही करवाई जा रही है। इसी क्रम में वे सभी स्टाफ के साथ लोगों में जागरूकता लाने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्टाफ को भी अवेयर कर रहे हैं। जहां नियमों का उल्लंघन होता नजर आ रहा है वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसे फॉलो करें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, आवश्यक कारण से ही लोग घरों से बाहर जाएं, तभी हम कोरोना की इस चेन को तोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि पॉइंट्स पर जाप्ता लगाया गया है, सुबह शाम गश्त की जा रही है, इसी के तहत हम गाइडलाइन को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि जिले के बाहर जो नाके हैं वहां भी पुलिस स्टाफ तैनात किया गया है। ऐसे 27 बड़े नाके हैं ताकि एक से दूसरे जिलों में आने जाने वाले लोगों पर नियंत्रण किया जा सके। इसी के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग फिकेट्स लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलग से जाप्ता तैनात किया गया है। इस दौरान एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा, सीओ सिटी भवन रणधीर सिंह, विभिन्न थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी मेघना त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। देखिए, जो आज से नई गाइडलाइंस लागू हुई हैं उन गाइडलाइंस की पालना हमारे स्टाफ के द्वारा सुबह से करवाई जा रही है और उसी क्रम में हम सब लोगों ने मिलकर अवेयरनेस फैलाने के लिए उन गाइडलाइंस के बारे में अपने गाड़ी से अनाउंस करते हुए चल रहे हैं और स्टाफ को अवेयर करते हुए चल रहे हैं। साथ साथ जो जो जहाँ जहाँ कहीं वायलेशन हो रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हम सब लोग घूम रहे हैं। हम लोगों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अवेयरनेस जो राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस की है उसके बारे में की जाए और अनावश्यक कोई भी बाहर ना निकले। जो भी रीजनेबल कोई कारण है उसके कारण ही लोग बाहर निकले। इसी तरह से हम कोरोना से जो चेन है उसको तोड़ पाए। हम लोग पॉइंट्स पे सब लोग लगे हुए हैं। डेली हम रोज इवनिंग में मॉर्निंग में गश्त कर रहे हैं और जो जिस टाइम परमिटेड टाइम है उस टाइम पे हमने स्टाफ लगाया हुआ है हर जगह पे, पिकेट्स लगाए हुए हैं, तो उनकी हेल्प से हम जो भी गाइडलाइंस के फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिले के बाहर नाके हैं उन नाकों पे भी स्टाफ लगाया गया है। कुल ऐसे करके 27 बड़े नाके हैं जहाँ पे स्टाफ को लगाया गया है ताकि उनसे जो मूवमेंट है सिटी से बाहर जाने वाली और जिले से बाहर जाने वाली वो कंट्रोल हो। इसी के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग फिक्स पिकेट्स बनाए गए हैं, होमगार्ड्स की डिप्लॉयमेंट की गई है और जहाँ भीड़ के स्थान हैं वहाँ पर अलग डिप्लॉयमेंट की गई है।